लखनऊ दिल्ली हाईवे पर कोहरे के कारण यूपी रोडवेज की बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 12 यात्री घायल हो गए। यूपी रोडवेज की बस लखनऊ से बरेली जा रही थी। बरेली जनपद में फरीदपुर टोल प्लाजा के पास हादसा हुआ। पुलिस और राहगीरों ने काफी मशक्कत के बाद बस में फंसे घायल लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। हादसा सुबह करीब 7 बजे हुआ। यूपी रोडवेज की बस गुरुवार रात लखनऊ से बरेली के लिए चली थी। कोहरा अधिक होने की वजह से बस की रफ्तार काफी कम थी। चालक को आगे का रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा था। बरेली डिपो की यह बस जैसे ही फरीदपुर टोल प्लाजा के पास पहुंची, अचानक बस डिवाइडर से टकरा गई। बस के डिवाइडर से टकराते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। टोल प्लाजा के कर्मचारी और वहां मौजूद पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और अन्य राहगीरों की मदद बस में फंसे घायल यात्रियों को बाहर निकाला। हादसे में 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को पुलिस ने बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। इसके साथ ही बस में सवार अन्य यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। बरेली उत्तर प्रदेश से फैयाज खान की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें। भतीजा है आपका? भाई लगता है। भाई लगता है? आप दोनों एक ही साथ जा रहे थे काम करने? तीन आदमी है, एक राम केवल है। राम केवल भी है, नगेंद्र भी है, तीन आदमी है। अच्छा, आप तीनों एक साथ थे? अच्छा, नगेंद्र, राम केवल और देवनाथ, सब एक ही गाँव के? एक ही जगह जा रहे थे काम करने? नदी में रेता निकालने जाते थे। अच्छा, छोड़ो बोतल लगा।